तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में उन्हें मुसलमानों की हिमायत हासिल है। किशन रेड्डी ने कहा कि जब वो अंबरपेट के रुकन असेंबली थे उस वक्त उनको मुसलमानों के वोट मिलते थे। किशन रेड्डी ने कहा कि वो अंबरपेट में कई एक तरक्याती काम कर चुके हैं। 27% मुस्लिम पॉपुलेशन आता है, वैसे लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है बीजेपी की पार्टी में, लेकिन जी किशन रेड्डी का दिल बहुत मोम है, बहुत सॉफ्ट है, और किस तरह से मुसलमानों का साथ मिल रहा है आपको? मैं आइडियोलॉजी का हूँ मगर सभी लोगों से मिल के रहता हूँ। जो अंबरपेट में भी मेरे को मुस्लिम सामाजिक वर्ग से अच्छे वोट मिलता था, उनके एरिया में भी मैं विकास करता था। पुराना शहर में जो मजलिस पार्टी MLA MP से है उधर से भी लोग आते हैं, कल MLA सर्टिफिकेट भी साइन भी नहीं मिलता था उनको, मगर मैं मुस्लिम समाज उनको बहनों को हम सर्टिफिकेट में साइन करके देते थे, हेल्थ का सपोर्ट करते थे, कॉलेजों में सीट दिलाते थे, रेशन कार्ड दिलाते थे, ये काम मैं बहुत करता था। सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अच्छे हमारे मुस्लिम सामाजिक वर्ग है, सभी लोग मुझे चाहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, आज ट्रिपल तलाक के कारण आज मुस्लिम समाज वर्ग में तो बदलाव है, क्योंकि आज जो व्यक्ति हस्बैंड होगा कल वो फादर बनेगा, फादर बनने के बाद उनका बेटी तलाक के कारण घर वापस ही आए तो कोई भी पिताजी का कितना दुख होता है, कितना तकलीफ होता है सबको मालूम है। इसलिए आज सभी लोग ट्रिपल तलाक के बारे में नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, खासकर स्पेशली महिला तो हमारा भाई ऐसे समझते हैं नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि छोटे छोटे विषय पर तलाक तलाक बोलने से और उनको देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है बहनों को। वो पिताजी के घर में जाते हैं, पिताजी भी बहुत माताजी बहुत दुखी होते हैं। इसलिए आज इस निर्णय, क्योंकि इस्लामिक देशों में भी ये ऐसा नहीं है पॉलिसी, इस्लामिक देशों में भी ट्रिपल तलाक का सिस्टम नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कारण इस देश में मुस्लिम महिलाओं को जो आज अपमान करते हुए ये ट्रिपल तलाक का चलाए, आज नरेंद्र मोदी जी कोई इस रिलीजियस के नाम पर देखा नहीं, सिर्फ महिलाओं का हक मिलना चाहिए, उनको सिर उठाकर जीना चाहिए, उनको भी अधिकार रहना चाहिए, इसी दृष्टिकोण से ट्रिपल तलाक हटाया। अभी मैं बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी के जितने भी स्कीम्स है, मुद्रा बैंक्स लोन्स हो, स्वाधीनी जी लोन्स हो, वो मुस्लिम सामाजिक वर्गों को मिलता, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जितने भी बैंक लोन देते हैं ये केंद्र सरकार का लोन से, हैदराबाद में 100,000 ऑफ मुस्लिम सामाजिक वर्गों का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मैं बैंक्स का लोन दिलाया, बहुत लोगों को मेरे पास आते हैं। मेरे अंबरपेट में जितने भी नाम पहले में अलग अलग जगह जो महिलाओं का स्किल सेंटर्स है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, उसमें 60% महिला मुस्लिम सामाजिक वर्ग आके हमारा स्किलिंग सिखाते हैं, स्टिचिंग का हो, अलग अलग लोग आते हैं मेरे पास आके सीखते हैं, ऐसे हज़ारों लोगों को दिया है। इसलिए मेरे सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे कोई तकलीफ नहीं, मुस्लिम सामाजिक वर्गों का भी वोट मुझे मिलेगा। मुसलमान आपके साथ हैं, आपका सॉफ्ट दिल है, आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी को मुस्लिम महिलाएं भाई मानती हैं, तो फिर 4% जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करने की बात कैसे करें? रिजर्वेशन इज डिफरेंट जी, ये इज डिफरेंट, ये हम नहीं बोल रहे जी, स्टेट हाईकोर्ट बोला है, हाईकोर्ट में जजमेंट दिया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, रिलीजियस के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। हम बताना चाहता हूँ जो 10% EBC रिजर्वेशन मोदी साहब दिया है उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन है जी, उसमें है ना ऑलरेडी रिजर्वेशन, उसमें 10% जो UBC रिजर्वेशन है उस मुस्लिम सामाजिक वर्ग है, क्रिश्चियन सामाजिक वर्ग है, हिंदू भी है, इसलिए मुस्लिम को हम छोड़े नहीं रिजर्वेशन, उनको हम लगाए। सर एक लास्ट सवाल ले लेंगे, रवन्ना की जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, बीजेपी कहते हैं मतलब नारियों को शक्ति की बात करती है, तो क्या नारियों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में JDS पार्टी से गठबंधन तोड़ेगी बीजेपी पार्टी? ये हमारा पार्टी का नहीं भाई, अलग अलग पार्टी का है, पार्टी का होते हैं, एक व्यक्ति के कारण तोड़ते नहीं। सर महिलाओं का अपमान तो है, बिल्कुल गलत है, मगर एक व्यक्ति के कारण अलायंस नहीं होते। आप घर में 4-5 भाई है, एक भाई गलत के तो सभी लोगों को आप लोगों को पूरा फांसी लगाने की, बोलो आप, अगर एक भाई को फांसी लगाया
कुछ गलती से पूरा परिवार को फांसी लगा थे क्या? बताइए आप, ऐसा नहीं होता भैया। थैंक यू सर। हाँ।